गाइस सुबह के 3 बज गए हैं और बोर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मेरा दोस्त भी सोया बड़ा है, मैं कल से सोया नहीं हूँ और बहुत ही हैसल फ्री हो गया हूँ। आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, अभी सो रहा है अभी तक। उठो, आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बेकार टाइम जो होता है ना वो सुबह का होता है, ना आप इधर के होते हो ना उधर के होते हो, इसलिए फ्लाइट्स या तो रात की होनी चाहिए या तो दिन की होनी चाहिए। मॉर्निंग की फ्लाइट हमने ले तो ली, लेकिन हमें ऐसे जागना पड़ेगा हमने सोचा नहीं था। ना तो हम रूम ले सकते हैं, ना तो हम क्या कर सकते हैं, बस एयरपोर्ट पर वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर रूम लेते भी तो भी 3:30-3:30 बजे तक आना ही पड़ता है एयरपोर्ट पर। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं। नेपाल का क्रेज इतना है कि हाँ भाई ठीक है, के लिए रात भी जाग लेंगे, पूरा ब्लॉक कवर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस हमारा बोर्डिंग पास आ चुका है, अब हम जा चुके हैं, चल रहे हैं डिपार्चर की ओर। तो गाइस हमारा बोर्डिंग पास आ चुका है, अब हम निकल रहे हैं नेपाल के लिए फाइनली। अब ब्लॉक स्टार्ट ओरिजिनली होगा, वैसे भी ब्लॉक स्टार्ट ही था, लेकिन अब जिस वजह से जो मेन चीज आप लोग देखने चाह रहे थे वो अब आने वाली है। तो अब हम पूरा दिखाएंगे अब आपको नेपाल, काठमांडू, गोकर्णा, चितवन, जो भी है सब कैरी करेंगे, तो बने रहिएगा। हम आ गए हैं नेपाल और स्वागत है हमारा एयरपोर्ट पे और आप लोगों का भी। अब हम अपना सामान ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे नेपाल और पूरा एक्सप्लोर करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। गाइस हम आ चुके हैं नेपाल, हमारे साथ है पूनो, पूनो नाम है ना। हम जा रहे हैं अभी काठमांडू के बीच में आने वाला है यहाँ पे, और हम जा रहे हैं थमिल यहाँ पे शहर के बीच में है, मंदिर वगैरह है, मंदिर बीच में आ गया, मंदिर वगैरह सब पास में पड़ते हैं और काफी चीजें पास में पड़ेंगी। तो अभी थमिल जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह का, होटल वगैरह का कुछ पता नहीं कि कौन सी होटल मिलेगी, लेकिन हम ट्राई पूरी करेंगे कि बेस्ट होटल मिले और सही रेट में मिले और सही टैक्सी वाले मिले। काफी टैक्सी वाले लूटने वाले मिलते हैं, लेकिन हमें सही टैक्सी वाले मिले, वो लक के ऊपर है कैसे मिलते हैं। उन्होंने काफी हमें गाइड किया है, काफी अच्छा किया है, तो अब देखते हैं। उन्होंने भाई को हमने एक दो दिन के लिए बोला भी है कि वो हमारे साथ पूरा दिन ट्रेवल करें। गाड़ी इनकी पुरानी है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं गाड़ी अच्छी हो, उसमें हमेशा एसी गाड़ी और बढ़िया में ही घूमना है। अपन को अपना बेस्ट भी ढूंढना है कि हमारे साथ कुछ दिक्कत ना आए, हम सेफ रहें। अगर आप अपनी वाइफ के साथ हो, मदर के साथ हो, बहन के साथ हो, तो उनके साथ भी कोई दिक्कत ना आए। तो सी यू गाइस, अब हम मिलते हैं होटल में। हमें ला चुके हैं हम, ये पूरा चाइनीज एरिया है, चाइनीज एरिया ना पूरा, ये पूरा चाइनीज एरिया है, चाइनीज होटल है, चाइनीज रूम है। हमें 90% लोग आपको चाइनीज ही मिलेंगे। इधर उधर सामान इधर उधर से मत फिरा, ये खरीद लिया आप लोग, ये बहुत महंगा लेता है, आपको ये से कपड़ा ही लेना है था हमको, पता हाँ हमको बाहर ले जाएंगे आप लोग होलसेल रेट में, नेपाली रेट में दिला दूंगा आपको। सही है, ये टूरिस्ट एरिया है, ये बहुत लूट रहा है, 100 रुपए का माल 600 रुपए 400 रुपए बोल के ये मार कर रही है, 100 का 600 में। हाँ ये होटल से सस्ता है, आपको सही से आंसर है ना, ये वो चाइनीज का है, इतना एरिया चाइनीज का जो ये मुस्लिम दुकान में सब मुस्लिम का है नेपाली के अंदर। चलिए दोस्तों हम तो अपने होटल चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है माहौल वहाँ का और क्या है, हमारे बजट में आता है या नहीं आता है, लेट्स सी।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं फाइनली अपने होटल में, होटल का नाम है होटल डिस्कवरी इन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।